देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखिए यहाँ से उसका ऑब्जर्विंग पॉइंट है, क्योंकि जितनी उसकी हाइट है, क्यों हम हाइट ले रहे हैं, आँख तो थोड़ा सा नीचे होता है हाइट से, लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो ये पीछे जा रहा है, तो ये लगभग इक्वल टू हाइट हमें लेना है, तो ये हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट हो गया। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ये बन रहा है 30 डिग्री, और ये चेंज हो रहा है जब ये जो बंदा है ये बिल्डिंग की ओर बढ़ना चालू किया, इस ओर बढ़ना चालू किया, बिल्डिंग यहाँ पे है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस चला, तो यहाँ से जब ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 60 डिग्री। इतना क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग की ओर कितना चला, तो मान लेते हैं स्मॉल एक्स। अब यहाँ से बिल्डिंग की डिस्टेंस भी नहीं मालूम, तो इसको मान लेते हैं स्मॉल एच। इतना क्लियर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इसको नेमिंग कर देते हैं a, b, c, d। तो देखिए ये जो लेंथ है ये 1.5 मीटर है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर। इतना क्लियर। अभी छोटे से ट्रायंगल में देखिए, तो इन ट्रायंगल ए डी सी थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस पी और बी, तो टेन एंगल यूज कीजिए, टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया, टेन 60 होता है रूट थ्री, ये एच इधर आ जाएगा, तो रूट थ्री एच इक्वल टू 28.5। एच यहां से मिल गया 28.5, और ये रूट थ्री नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर। नाउ अब इस बड़े से ट्रायंगल में देखें, तो इन ट्रायंगल ए बी सी अगेन पी और बी, तो टेन एंगल यूज कीजिए, टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स प्लस एच, टेन 30 वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस एच इंटू वन एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 28.5 रूट थ्री हो जाएगा। नाउ एच इक्वल टू आया था 28.5 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 28.5 इंटू रूट थ्री, यहां लिख लीजिएगा फ्रॉम वन। अब यहां एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा रूट थ्री, रूट थ्री एक्स प्लस 28.5 इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू 28.5, और ये रूट थ्री अगर इधर हम भेज दें तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये थ्री हो जाएगा। इतना क्लियर। रूट थ्री एक्स इक्वल टू थ्री इंटू 28.5 माइनस 28.5, टू इंटू 28.5 हो जाएगा, तो रूट थ्री एक्स ये आ गया हमारे पास 57, एक्स इक्वल टू आ गया 57 अपॉन रूट थ्री, ऊपर और नीचे रूट थ्री का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये आ गया नीचे थ्री, थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम्स में, तो ये आ गया 19 रूट थ्री मीटर। तो ये जो बॉय है ये कितना चला बिल्डिंग की ओर, 19 रूट थ्री मीटर, तब जाके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री से चेंज हुआ 60 डिग्री। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वॉज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, यहाँ पे हम सन मान लेते हैं, इस सन के कारण इस टावर का शैडो जो कि इसके पीछे साइड आएगा, तो जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री कह रहा है तो ये लेंथ ऑफ शैडो कहलाएगा। अब सन इस पोजीशन से मूव होके इस पोजीशन पे आ गया, मान लिए अब सन का ऑल्टीट्यूड चेंज हुआ जो कि हो गया 30 डिग्री, तो
ये लेंथ ऑफ शैडो हुआ। तो इतना लेंथ जब 60 डिग्री था तो जो लेंथ ऑफ शैडो था उससे 40 मीटर ज्यादा है, तो ये लेंथ हमारे पास आ गया 40 मीटर। ये लेंथ हमें नहीं मालूम, एक्स मान लीजिए। हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, एच मान लीजिए, ए बी सी डी। यहाँ से हमें स्मॉल एच चाहिए। तो देखिए, एक छोटे से ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, टेन एंगल यूज कीजिए। तो टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 60 होता है रूट थ्री एच अपॉन एक्स। यहां से ये एक्स इस साइड आ गया और ये रूट थ्री नीचे आ गया। तो एक रिलेशन हमें मिल गया, एक्स इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री। अब इस बड़े ट्रायंगल में ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, टेन 30 ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स प्लस 40, टेन 30 वन अपॉन रूट थ्री, ये इस साइड आया तो एक्स प्लस 40, ये इधर आ गया तो रूट थ्री एच। नाउ इस एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एच अपॉन रूट थ्री से, यहां फ्रॉम वन। नाउ यहां एलसीएम ले लीजिए, रूट थ्री आ गया, एच प्लस 40 रूट थ्री इक्वल टू रूट थ्री एच, ये रूट थ्री इस साइड आया तो ये हो गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री एच, थ्री एच माइनस एच टू एच इक्वल टू 40 रूट थ्री एच आ गया, 40 अपॉन टू 20, 20 रूट थ्री मीटर। तो हाइट ऑफ टावर ये आ गया हमारा 20 रूट थ्री मीटर। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया और ग्राउंड से किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व करने पे एंगल ऑफ एलिवेशन एट द बॉटम ऑफ द टावर एंड टॉप ऑफ द टावर ये मिल रहा है हमें 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इतना क्लियर। तो हमें ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एच। इतना क्लियर। अब इस पॉइंट से बिल्डिंग की डिस्टेंस ये हमें नहीं मालूम, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एक्स। इतना क्लियर। इसको नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी। तो अब इस छोटे से ट्रायंगल में देखें तो इन ट्रायंगल डी बी सी परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहाँ पे टेन एंगल यूज कीजिए, टेन 45 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 45 वन, तो ये एक्स इधर आ गया तो एक्स इंटू वन एक्स इक्वल टू 20 आ गया। अब इस बड़े ट्रायंगल में ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा एच प्लस 20 अपॉन बेस, तो एक्स टेन 60 रूट थ्री एच प्लस 20, एक्स हम फाइंड कर चुके हैं 20, तो ये इधर आ गया तो 20 रूट थ्री एच प्लस 20, तो एच आ गया 20 कॉमन दोनों से, तो इधर से मिल गया रूट थ्री और ये इधर आया तो माइनस 20, तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर ये आ जाएगा 20 इंटू रूट थ्री माइनस 1 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहाँ मान लेते मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो मल्टी स्टोरीड है इस वजह से भी हम कह सकते हैं हाइट ज्यादा है। दूसरा लॉजिक ये है
किस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पे हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट है, यहां से हम एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से ऑब्जर्व करने पे इस बिल्डिंग के टॉप एंड बॉटम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों कह रहे हैं, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जब जाता है लाइन ऑफ साइट, तो इसी एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल रहा है दैट इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, लेट से स्मॉल एच, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग लेट से स्मॉल एक्स। अब देखिए ये एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा, नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी ई, इतना क्लियर। अब एक और लॉजिक समझिए, देखिए ये दो पैरेलल लाइन अगर आप कंसीडर करें और ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, अब यहाँ पे अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये अगर एंगल 30 है तो ये एंगल 30 हो गया, ये 45 है तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो गया बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब इस छोटे से ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल ए ई डी, देखिए ये हमारा 8 मीटर है, तो ये लेंथ क्या होगा, ये टोटल हमने एच माना है, एच माइनस 8 हो जाएगा। तो देखिए थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, टेन एंगल यूज कीजिए, तो टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/√3 होता है टेन 30, ये एक्स इधर आ गया तो √3 इंटू एच माइनस 8, इतना क्लियर। ना अब इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी टेन 45 इज इक्वल टू, ये टोटल लेंथ आपने माना है एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 45 वन एच अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू आ गया एच, इतना क्लियर। तो देखिए ये एक रिलेशन मिल गया, अब इस रिलेशन को यहां पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो h को रिप्लेस कर सकते हैं हम x से, x इक्वल्स टू √3, इस h के प्लेस पे आ जाएगा x माइनस 8 फ्रॉम 1, x इक्वल्स टू √3x माइनस 8√3। नाउ √3x, ये x राइट साइड में गया तो माइनस x, ये पार्ट लेफ्ट साइड में ले आइए तो 8√3, इतना क्लियर। तो यहां से x कॉमन तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 8√3, एक्स आ गया 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। अब अगर रैशनलाइज कर दे तो ये बन गया 8√3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, ये 4 टाइम्स में कैंसिल, 4√3 इंटू √3 प्लस 1, और इसी को हम लिख सकते हैं 4, इस √3 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो √3 इंटू √3 3 प्लस √3, तो 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, यह आ गया एक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, और h इक्वल्स टू x है तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ये भी सेम रहेगा, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। ये मान लेते हैं पेडिस्टल है, पेडिस्टल मीन्स जिसके ऊपर मूर्ति या स्टैचू कुछ रखते हैं, इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है जिसकी हाइट 1.6 मीटर दी हुई है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहाँ पे किसी एक पॉइंट, सपोज इस पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज
60 डिग्री। इस पॉइंट से ऑब्जर्व करने पे एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ स्टैचू ये मिल रहा है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ पेडिस्टल ये है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है दैट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो ये हाइट हमें फाइंड करना है। h मान लेते हैं, ये पॉइंट से ये पेडिस्टल तक की डिस्टेंस ये हमारे पास नहीं दी हुई है, तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल x, इसको नेमिंग कर दीजिए a b c d। अब इस छोटे से ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल डी बी सी देखिए परपेंडिकुलर बेस टेन एंगल यूज कीजिए, तो टेन 45 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, टेन 45 वन इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, एक्स इधर आ गया, एक्स इक्वल्स टू एच, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। अब इस बड़े से ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो 1.6 प्लस एच अपॉन बेस, टेन 60 रूट 3। नाउ ये एक्स इधर आ गया और इस एच को रिप्लेस कर सकते हैं हम एक्स से फ्रॉम 1, ये एक्स इस साइड ले आइए, यहां से एक्स कॉमन, ये पार्ट नीचे आ जाएगा, रैशनलाइज कर दीजिए, तो ये आ गया 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, ये 0.8 हो जाएगा, और 0.8 को हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 5 रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो ये x आ गया, x इक्वल टू h था, तो हाइट ऑफ पेडिस्टल ये आ गया 4 अपॉन 5 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर। मान लेते हैं ये रिवर है, इस रिवर के एक बैंक पे किनारे पे एक टीवी टावर है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, दूसरे किनारे नदी के किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से ऑब्जर्व करने पे द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर ये हमें मिल रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर अवे दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे सेम बैंक पे इस तरफ बढ़ने पे कितना चले 20 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है टॉप ऑफ द टावर ये मिल रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हाइट ऑफ टावर ये हम मान लेते हैं h, और विड्थ ऑफ द रिवर ये जो विड्थ है इसको हम मान लेते हैं x, तो x और h ये हमें निकालना है, नेमिंग कर दीजिए a b c d। अभी छोटे से ट्रायंगल में देखें तो a b c 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 रूट 3, ये x इधर आ गया इक्वल टू h, तो ये एक रिलेशन मिल गया, कितना क्लियर। नाउ इस बड़े से ट्रायंगल में ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 होता है 1030,
ये इधर आ गया तो 20 प्लस एक्स, ये इधर आ गया तो √3h। नाउ इस h को रिप्लेस कर सकते हैं हम √3x से, फ्रॉम वन। नाउ ये मिल गया 20 प्लस एक्स, √3 × √3x 3x, ये x इधर गया तो 2x इक्वल्स टू 20, एक्स आ गया 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ द रिवर ये हमारा x था, दैट इज 10 मीटर। h हाइट ऑफ टावर √3x है, तो ये आ गया, यहां 10 आ जाएगा तो 10√3 मीटर, तो ये आंसर हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं 17.32 मीटर भी। तो हाइट ऑफ टावर ये आ गया 10√3 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से यहां मान लेते केबल टावर, ये ग्राउंड हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर ये हमें मिल रहा है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसी टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द फुट ऑफ द टावर ये मिल रहा है 45 डिग्री। तो देखिए ये एंगल 45 है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, लेट्स से स्मॉल एच। बिल्डिंग से ये टावर की डिस्टेंस गिवन नहीं है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो ये पूरा भी एक्स हो जाएगा, नेमिंग कर दीजिए। नाउ ये जो है 7 है, तो ये इतना 7 मीटर हो गया, ये h माइनस 7 हो जाएगा, इतना क्लियर। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल डी सी बी 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 45 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन x, x इधर आ गया तो x इक्वल्स टू आ गया 7, इतना क्लियर। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए ई डी 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h माइनस 7 अपॉन बेस x 10 60, ये होता है √3, ये x इधर आ गया h माइनस 7। नाउ x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 7, तो ये हो जाएगा 7√3 इक्वल्स टू h माइनस 7, h आ गया 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ केबल टावर ये 7 × √3 + 1 मीटर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस, एक 75 मीटर टॉल लाइट हाउस है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30° and 45°। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, इस लाइट हाउस के एक तरफ दो शिप है, एक के पीछे एक, एक शिप यहाँ है, एक शिप हम मान लेते यहाँ है, तो यहाँ से जो इन दोनों शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है ये मिल रहा है 30° and 45°। तो ये हमारा हो जाएगा 30° और ये 45°। तो देखिए ये एंगल 30° है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये 30° हो जाएगा, ये 45, तो ये 45° हो गया। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शेप्स, तो इन दोनों शेप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको हम मान लेते हैं x, और फर्स्ट शेप से ये लाइट हाउस, इसके बीच का भी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं y, तो हमें फाइंड करना है x, इतना क्लियर। इसको नेमिंग कर दीजिए a b c d। अभी छोटे से ट्रायंगल में देखें, तो इन ट्रायंगल ए बी सी
परपेंडिकुलर बेस, तो ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन 45 वन वन इंटू वाई वाई इक्वल टू 75, वाई मिल गया 75। अब इस बड़े ट्रायंगल में देखें तो इन ट्रायंगल ए बी डी अगेन टेन यूज कीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स प्लस वाई टेन 31 अपॉन रूट थ्री, ये इधर आ गया तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75 रूट थ्री हो जाएगा, वाई हम निकाल चुके हैं 75, ये 75 राइट साइड में गया माइनस 75, 75 कॉमन रूट थ्री माइनस वन मीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शेप्स ये हमने एक्स माना था तो ये आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये बिल्डिंग है हमारा, यहाँ टावर मान लेते हैं, ये ग्राउंड मान लेते हैं, तो देखिए फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है दिस इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर ये जो एलिवेशन मिल रहा है दैट इज 60 डिग्री, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, हाइट ऑफ टावर 50 मीटर दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, स्मॉल एच मान लेते हैं, बिल्डिंग और टावर इसके बीच की डिस्टेंस नहीं दी हुई है, इसको मान लेते हैं एक्स, एच हमें फाइंड करना है, तो देखिए इसको नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी यहां पे टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा टेन 60 रूट थ्री इक्वल टू 50 अपॉन एक्स, एक्स इस साइड ले आइए और रूट थ्री नीचे आ जाएगा, एक्स आ गया 50 अपॉन रूट थ्री, निकालना एच है, तो अब इन ट्रायंगल डी सी बी तो यहां से मिल जाएगा टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इतना क्लियर, टेन 30 वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एक्स हम फाइंड कर चुके 50 अपॉन रूट थ्री, तो ये एक्स इस साइड आ जाएगा तो वन अपॉन रूट थ्री इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पे 50 अपॉन रूट थ्री आ गया इक्वल टू एच, तो 50 अपॉन थ्री इक्वल टू एच, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये मिल गया 50 अपॉन 3 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एक रिवर है उसके दो किनारे होंगे दैट इज नोन एज बैंक ऑफ द रिवर, इस रिवर के बीचों बीच एक ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज पे किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व करने पे मीन्स ये हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मिल रहा है ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इतना क्लियर। अब देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल हम लिख सकते हैं 30 डिग्री बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और सेम यहां पे 45 है तो ये एंगल बन जाएगा 45। ए ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 30 मीटर, ब्रिज की हाइट ये 30 मीटर दी हुई है, फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो इन किनारों से हमें विड्थ ऑफ द रिवर हमें फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स, ये डिस्टेंस मान लेते हैं वाई, तो हमें फाइंड करना है एक्स प्लस वाई, इतना क्लियर।
इसको नेमिंग कर दीजिए ए बी सी एंड डी। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेन एंगल यूज कीजिए, तो टेन थर्टी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थर्टी वन अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू थर्टी अपॉन एक्स, एक्स इधर आ गया, थर्टी इंटू रूट थ्री, थर्टी रूट थ्री, एक्स आ गया थर्टी रूट थ्री। अब इस ट्रायंगल का यूज कीजिए, इन ट्रायंगल ए डी सी टेन फोर्टी फाइव इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन फोर्टी फाइव वन, वाई इधर आ गया तो वाई इंटू वन वाई इक्वल्स टू थर्टी, वाई मिल गया थर्टी, एक्स आ गया थर्टी रूट थ्री। तो विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई मीन्स थर्टी रूट थ्री प्लस थर्टी, थर्टी कॉमन रूट थ्री प्लस वन मीटर। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू इच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक रोड है जो 80 मीटर वाइड है और इसके किनारे पे अपोजिट साइड में दो पोल लगे हैं इक्वल साइज के। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब इस रोड के बीच में कहीं पे भी एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जर्व करने पे एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पोल ये हमें मिल रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमें हाइट ऑफ द पोल ये निकालना है, इसको मान लेते हैं एच, दोनों इक्वल साइज के हैं तो ये भी एच हो जाएगा। अब इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस निकालनी है और इस पोल की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए ये अगर मान लेते हैं एक्स तो ये हो जाएगा, ये टोटल 80 है तो 80 माइनस एक्स, इतना क्लियर। तो ए बी सी डी ई नेमिंग कर दिए। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी तो यहाँ से मिल जाएगा टेन सिक्सटी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इतना क्लियर। टेन सिक्सटी रूट थ्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एच यहाँ से मिल गया रूट थ्री एक्स, ये एक रिलेशन मिल गया हमें, इतना क्लियर। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ई डी सी टेन थर्टी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थर्टी होता है वन अपॉन रूट थ्री, ये इधर आ गया तो एटी माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री एच हो जाएगा। अब एच इक्वल्स टू है रूट थ्री एक्स, तो इस एच के प्लेस पे रूट थ्री एक्स आ जाएगा फ्रॉम वन, नाउ रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स इक्वल टू एटी, एक्स आ गया एटी अपॉन फोर 20 मीटर, तो x आ गया हमारा 20 मीटर। तो इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस 20 मीटर हो गई, तो इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 60 मीटर। अब बचा हाइट ऑफ पोल निकालना, ये h था तो h इक्वल्स टू है रूट थ्री एक्स, एच आ जाएगा एक्स के प्लेस पे 20 रख दीजिए तो 20 रूट थ्री मीटर, तो हाइट ऑफ पोल आ गया 20 रूट थ्री मीटर, ये आ गया 20 मीटर, ये आ गया 60 मीटर। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। एक सर्टेन इंस्टेंस पे प्लेन की पोजिशन हम मान लेते हैं यहाँ है, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व करने पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो मिल रहा है ये मिल रहा है 45 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू
30 डिग्री, प्लेन अभी यहाँ है, 15 सेकेंड तक चला, मान लीजिए इस पोजीशन पे आए, तो अब इस पॉइंट से ऑब्जर्व करने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ ये हो गया 30 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ये जो प्लेन है ये 3000 मीटर अबव द ग्राउंड है, ये भी हाइट हो जाएगा हमारे पास 3000 मीटर, तो हमें स्पीड ऑफ द एरोप्लेन ये फाइंड करना है। तो देखिए लॉजिक क्या है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। प्लेन यहां था, 15 सेकेंड तक ट्रेवल किया, तो टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड, कितना ट्रेवल किया यहां से यहां गया, मीन्स हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगा, इतना क्लियर। तो देखिए इसको नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी ई। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां पे देखिए ये डिस्टेंस हमें नहीं मालूम सपोज एक्स, ये डिस्टेंस नहीं मालूम सपोज वाई। तो देखिए टेन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3000 अपॉन बेस एक्स, टेन 45 वन इंटू एक्स, एक्स इक्वल्स टू आ गया 3000 मीटर, तो एक्स निकल गया, हमें वाई निकालना था। तो देखिए अब इस ट्रायंगल का यूज कीजिए, इन ट्रायंगल ई डी बी, ई डी बी तो यहां से मिल जाएगा टेन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स प्लस वाई, टेन 30 वन अपॉन रूट थ्री, ये इधर आ गया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3000 इंटू रूट थ्री, तो 3000 रूट थ्री हो गया, एक्स 3000 आया था, तो वाई आ जाएगा 3000 रूट थ्री माइनस 3000 कॉमन रूट थ्री 1.732 माइनस वन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2196.15 मीटर। तो ये कितना डिस्टेंस चला, यहां से सी से डी पॉइंट चला, दैट इज 2196.15 मीटर। तो डिस्टेंस हमें मिल गया 2196.15, टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 15 सेकेंड लगा, तो अपॉन 15, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 146.4, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम आपका सेकेंड में गिवन है। अगर इसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो इनटू 18/5 कर दीजिए, तो ये सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 527.04 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ प्लेन ये आ जाएगा 527.04 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। ये लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस के अपोजिट साइड में दोनों तरफ एक शिप है और इसके टॉप पे हमारा ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है, तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है ये मिल रहा है अल्फा एंड बीटा, तो ये मान लेते हैं अल्फा ये बीटा। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी एच मीटर, ये लाइट हाउस की हाइट ये एच मीटर दी हुई है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, ये जो लाइन है ये फुट ऑफ द लाइट हाउस से पास हो रहा है और दोनों शिप को ज्वाइन कर रहा है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज इतना मीटर। तो यहां से यहां तक दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसको मान लेते हैं बी सी डी, ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये बीटा है तो ये बीटा बन जाएगा, इतना क्लियर। देखिए फर्स्ट शिप से ये लाइट हाउस की डिस्टेंस नहीं मालूम, इसको मान लेते हैं एक्स, सेकेंड शिप से
इस लाइट हाउस की डिस्टेंस नहीं दी हुई है, इसको मान लेते हैं वाई, इतना क्लियर। तो देखिए इन ट्राइंगल ए डी बी परपेंडिकुलर बेस टेन यूज कीजिए, टेन अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, इतना क्लियर। तो देखिए एक्स आ जाएगा यहां से एच और ये टेन अल्फा नीचे आ गया। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी अगेन टेन एंगल यूज कीजिए, टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से वाई आ जाएगा एच अपॉन टेन बीटा, एक्स और वाई मिल गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स प्लस वाई है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू शेप्स आर एक्स प्लस वाई, तो ये बन जाएगा एच अपॉन टेन अल्फा प्लस एच अपॉन टेन बीटा मीटर, यहां एलसीएम ले लीजिए टेन अल्फा टेन बीटा, यहां आ जाएगा एच टेन बीटा और यहां आ जाएगा एच टेन अल्फा, ऊपर से एच कॉमन, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा टेन बीटा मीटर, ये हमें प्रूफ करना था, क्लियर। तो यहां पे आई होप कि सारे क्वेश्चंस क्लियर हों, ठीक है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड है और कुछ क्वेश्चंस में हिंट भी दिए हुए हैं, तो उनका भी यूज करना है, ठीक है। एंड आई होप कि जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो अब आप लोग से बन जाएंगे। तो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस एज ए चैप्टर ये समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टीज आती है तो उसको आप क्लियर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है।